दोस्तों आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं आज से लगभग 21 साल पहले सन 2001 के दौर में जब लोगों की लाइफ इतनी फास्ट नहीं दौड़ रही थी उनकी लाइफ में एक सुकून था एक ठहराव था और अपनों के साथ बैठ कर बात करने के लिए पर्याप्त समय भी हुआ करता था उस टाइम पर हम बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय किया करते थे वो हमारे खूबसूरत बचपन के दिन हुआ करते थे उस टाइम पर बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज़ हो रही थीं और इनके गाने तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर थे स्कूल जाते टाइम पर अपने दोस्तों के साथ खेलते टाइम पर रेडियो और टीवी पर जो गाने बजा करते थे उन गानों के साथ में खेलते टाइम पर हमारा मज़ा बिल्कुल दोगुना हो जाता था और आज इस बात को लगभग बीस इक्कीस साल हो जाने के बाद भी ये गाने हमारे दिलों में बिल्कुल वैसे ही बसे हुए हैं है। और आज इतनी रफ्तार से दौड़ते हुए जिंदगी में जब भी ये गाने हमें कहीं पर भी थोड़े से भी सुनाई देते हैं तो एक या दो मिनट के लिए तो हमारा दिमाग अपने आप ही उन सुनहरी यादों में फिर से खो जाता है जिंदगी। सन 2001 में जहां लगान और गदर जैसी बड़ी से बड़ी फिल्में एक के बाद एक रिलीज हो रही थीं तो वहीं इन बड़ी फ़िल्मों के बीच में एक बहुत ही कम बजट की लेकिन खूबसूरत गानों से सजी हुई फिल्म तुम बिन भी रिलीज़ हुई जिस फिल्म के म्यूजिक एल्बम का क्रेज़ उस टाइम पर लोगों के बीच में बिल्कुल अलग लेवल पर ही था छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे और कोई फ़रियाद जैसे गाने उस टाइम पर इतने ज़्यादा पॉपुलर रहे कि इसकी ऑडियो कैसेट से बहुत ज़्यादा सेल की गई फिल्म तुम्बिन के गानों में उस टाइम पर वो बात थी कि जब भी इन गानों को कोई ऑडियो सेंटर में सुनता तो अपने आप को फ़िल्म की ऑडियो कैसेट खरीदने से रोक नहीं पाता और फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही फिल्म को लेकर फिल्म के गानों ने लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया था और मज़ेदार बात तो ये है कि फ़िल्म तुम्बिन में उस टाइम पर सारे ही बिल्कुल न्यू कमर्स रखे गए थे इसमें कोई भी बहुत बड़ा जाना पहचाना एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थी लेकिन फिर भी लोग फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस टाइम पर फिल्म तुम्बिन के प्रमोशन के लिए इसके गानों की छोटी छोटी क्लिप्स और इसके सीन्स को टीवी पर भी दिखाया जाता था रेडियो पर इन गानों को सुनने के बाद लोग पता लगाते कि ये गाने कौन सी फिल्म के हैं फिल्म के गानों के अलावा इसकी कहानी भी बहुत अच्छी थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई और ये फिल्म आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है फिल्म तुम्बिन को रिलीज़ किया गया था तेरह जुलाई सन दो को डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी थी और इसका डायरेक्शन भी किया था और ये अनुभव सिन्हा के करियर की पहली फिल्म थी जो कि इसके पहले डायरेक्टर पंकज पारासर के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे आगे चलकर अनुभव सिन्हा ने जीटीवी पर आने वाले सीरियल शिकस्त को डायरेक्ट किया और यूटीवी पर आने वाले सीरियल सी हॉक्स के भी बहुत सारे एपिसोड डायरेक्ट किए इसके बाद आगे चलकर अनुभव सिन्हा ने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज़ को भी डायरेक्ट किया था और अपनी पहली फिल्म तुम्बिन के बाद अनुभव सिन्हा ने दस केस रावण आर्टिकल फिफ्टीन और थप्पड़ जैसी बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं फिल्म को सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको टी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है उसके बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था टी सीरीज के फाउंडर थे गुलशन कुमार लेकिन अंडरवर्ल्ड के द्वारा सन उन्नीस में उनकी गोली मारकर हत्या कर देने के बाद उनकी इस टी सीरीज कंपनी को उनके बेटे भूषण कुमार और गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार ने संभाला और सन 2001 में आई फिल्म तुम बिन ऐसी पहली फिल्म थी जिसको भूषण कुमार ने इंडिपेंडेंटली टी सीरीज के बैनर तले प्रोड्यूस किया था फिल्म के लीड रोल में हमें सारे ही न्यू कॉमर्स नजर आए थे जैसे प्रियांशु चटर्जी संदली सिन्हा हेमांशु मलिक राकेश बापत और इनके अलावा विक्रम गोखले दीना पाठक और मनोज पहवा जैसे एक्टर्स नजर आए थे फिल्म के लिए म्यूजिक दिया था निखिल और विनय की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल बारह गाने रखे गए थे और फ़िल्म का म्यूजिक एल्बम उस साल के टॉप म्यूजिक एल्बम्स की लिस्ट में शामिल रहा फ़िल्म के म्यूजिक एल्बम में हमें छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं कोई फ़रियाद तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे दारू बिच प्यार देखते ही देखते शुरू झूम बम्बूरा और प्यार हमको होने लगा जैसे बेहतरीन गाने रखे गए थे इसके अलावा फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुम्बिन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा गानों के बेहतरीन लिरिक्स लिखे थे फैजनवर ने जो कि बेसिकली एक सायर हुआ करते थे और उन्होंने साजन दिल है कि मानता नहीं और जानम जैसी बेहतरीन फ़िल्मों में गानों के लिरिक्स लिखे हैं इन गानों में आवाज़ें थीं उदित नारायण सोनू निगम जगजीत सिंह अभिजीत भट्टाचार्य अनुराधा पौडवाल के एस चित्रा और शैलजा सुब्रमण्यम की और फिल्म के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट्स से सेल की गई थीं और इसका म्यूजिक एल्बम सन दो में छठवें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग जो ऑडियो कैसेट्स का शौक रखते हैं उन्होंने उस टाइम पर तुम की ये ऑडियो कैसेट खरीदी हो अगर किसी के पास इसकी ऑडियो कैसेट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करना अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपए और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग चार करोड़ तैंतालीस लाख रुपए का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग सात करोड़ तिरपन लाख रुपए का कलेक्शन किया और फिल्म तुम बेनसन दो हजार की एक हिट फिल्म साबित हुई जिसको उस टाइम पर लगभग 90 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग तीस लाख पंद्रह हज़ार लोग आए थे एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म तुम्बिन को मात्र नब्बे स्क्रीन मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि सेम उसी दिन फिल्म तुम्बिन के साथ में ही अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फिल्म अक्स भी रिलीज हुई थी और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन जैसे स्टार के सामने एक ऐसी फिल्म थी जिसमें स्टार कास्ट को लोग बहुत ज़्यादा पहले से जानते ही नहीं थे इस वजह से उस टाइम पर एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में से अक्स को ढाई सौ से मिली और फिल्म तुम्बिन को मात्र नब्बे से मिली लेकिन फिल्म तुम्बिन को लोगों ने पसंद किया और ये फिल्म धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी और उस टाइम पर सन दो में इतने बड़े बड़े बजट में बनी फिल्मों के बीच में भी तुम्बिन ने बहुत अच्छी कमाई की एक्चुअली सन दो का जो साल था वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा रहा सन 2001 की अगर टॉप फाइव फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी गदर एक प्रेम का था दूसरे नंबर पर रही कभी खुशी कभी गम तीसरे नंबर पर रही लगान चौथे नंबर पर रही इंडियन और पांचवे नंबर पर थी दिल चाहता है फिल्म तुम्बेन को आई पर सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली हुई है एक्चुअली डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बहुत सारे टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट करने के बाद कई म्यूजिक वीडियोस को भी शूट कर चुके थे जिन म्यूजिक वीडियोस में अनुभव सिन्हा नए नए मॉडल्स को अपने इन वीडियोस के लिए साइन करते और उस टाइम पर अनुभव सिन्हा ने कई म्यूजिक वीडियोस टी सीरीज के लिए भी फिल्माए थे इस वजह से अनुभव सिन्हा की भूषण कुमार के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और एक बार ऐसे ही बातों बातों में अनुभव सिन्हा ने भूषण कुमार से कहा कि वो केवल उनसे म्यूजिक वीडियोज ही डायरेक्ट करवाते रहेंगे या फिल्म भी बनवाएंगे उस टाइम पर अनुभव सिन्हा अपने म्यूजिक वीडियोज़ के अलावा तुम बिन की कहानी के ऊपर भी काम कर रहे थे अनुभव सिन्हा ने बताया कि उस टाइम पर नया नया मोबाइल का चलन शुरू ही हुआ था और उस टाइम पर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होना काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी तो उस टाइम पर अनुभव सिन्हा के दिमाग में मोबाइल को लेकर ही एक कहानी का आइडिया आया आइडिया ये था कि कैसा होगा कि एक शख्स किसी की गाड़ी से टकराए और वो वहीं पर ख़त्म हो जाए और तभी मरने वाले शख्स का मोबाइल फ़ोन बजने लगे और जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो आकर उसका मोबाइल फ़ोन उठा ले और उसके बोले बिना ही सामने से किसी और की आवाज़ सुनाई देने लगे एक्चुअली फ़िल्म तुम्बिन की कहानी का ये आइडिया अनुभव सिन्हा के दिमाग में सबसे पहले आया था हालांकि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग केस की बात करें तो पहले अनुभव सिन्हा के दिमाग में ये था कि फिल्म तुम्बिन को वो एक थ्रिलर फिल्म की तरह बनाएंगे लेकिन बाद में धीरे धीरे अनुभव सिन्हा ने जब फिल्म की कहानी और ज़्यादा डेवलप की तो उन्हें समझ में आया कि इसको एक म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म की तरह बनाना बहुत अच्छा होगा और बस इसी पॉइंट से फिल्म तुम्बिन की कहानी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया अनुभव सिन्हा ने फिल्म तुम्बिन की इस कहानी का आइडिया भूषण कुमार को सुनाया और ये उन्हें भी काफ़ी पसंद आया हालांकि पहले भूषण कुमार ने अनुभव सिन्हा को ये सजेस्ट किया कि इसमें हमें बड़े स्टार्स को साइन करना चाहिए लेकिन अनुभव सिन्हा का ये मानना था कि ये कहानी बिल्कुल नए टाइप की है और इसमें हमें नए चेहरों को काम करने का मौका देना चाहिए और बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि इसमें हम न्यू कमर्स को ही साइन करेंगे और लगभग दो के स्टार्टिंग में अनुभव सिन्हा ने फिल्म के लिए ऑडिशन लेना शुरू किया और उस टाइम पर अनुभव सिन्हा बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ कई मॉडल्स के साथ पहले शूट कर चुके थे इस वजह से अनुभव सिन्हा के दिमाग में काफ़ी सारे मॉडल्स के नाम पहले ही फाइनल थे इसके लिए अनुभव सिन्हा ने सबसे पहले जिसको अप्रोच किया वो प्रियांशु चटर्जी ही थे जो कि उस टाइम पर मॉडलिंग करते थे और इसके पहले विल्स सिगरेट और लेविस के एडवर्टाइजमेंट में हमें नजर आ चुके थे और प्रियांशु चटर्जी का इसके पहले उदित नारायण के साथ में एक म्यूजिक वीडियो भी आ चुका था और यहाँ प्रियांशु चटर्जी को देखने के बाद अनुभव सिन्हा को लगा कि ये उनकी फ़िल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट च्वाइस रहेंगे प्रियांशु चटर्जी को बुलाया गया और उनके कई ऑडिशनस लिए गए हालांकि स्टार्टिंग में प्रियांशु चटर्जी को उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती थी लेकिन उनके ऑडिशंस देखने के बाद अनुभव सिन्हा को लगा कि वो एक्टिंग कर सकते हैं प्रियांशु चटर्जी के बाद अनुभव सिन्हा ने इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर संदली सिन्हा को अप्रोच किया जो भी उस टाइम पर मॉडलिंग करती थी और सोनू निगम के एक म्यूज़िक वीडियो दीवाना में हमें नजर आ चुकी थी जिस म्यूजिक वीडियो को भी अनुभव सिन्हा ने ही डायरेक्ट किया था और फिल्म तुम्बिन के लिए उन्हें लीड एक्ट्रेस के लिए भी अप्रोच किया और संदली सिन्हा का भी ऑडिशन लेने के बाद उनको इसके लिए फ़ाइनल कर दिया गया इसके अलावा स्वयं इसी सोनू निगम के म्यूजिक वीडियो दीवाना में संदली सिन्हा के साथ हेमांशु मलिक भी हमें नज़र आए थे और अनुभव सिन्हा हेमांशु मलिक को भी जानते थे और उनको भी उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया हालांकि हेमांशु मलिक इसके पहले काम सूत्र टेल ऑफ लव और जंगल में छोटे छोटे किरदारों में हमें नजर आ चुके थे हालांकि हेमांशु मलिक का पहला ऑडिशन तो बहुत ही बेकार गया और उन्हें फिल्म से रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन बाद में दूसरे दिन हेमांशु मलिक ने थोड़ी अपने आप को फिर से प्रिपेयर करके इसके लिए ऑडिशन दिया और उन्हें फाइनल कर लिया गया जिस टाइम पर अनुभव सिन्हा ऐसे ही बहुत सारे ऑडिशंस कर रहे थे उस टाइम पर उनकी इस फिल्म के लिए जॉन अब्राहम ने भी ऑडिशन दिया था जॉन अब्राहम भी उस टाइम पर मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे थे लेकिन जब उन्होंने फ़िल्म तुम्बिन के लिए यह ऑडिशन दिया तो उनका ऑडिशन कुछ खास अच्छा नहीं गया और जॉन अब्राहम तो तुरंत ही इस ऑडिशन से बाहर हो गए थे फिल्म तुम्बिन में दोनों मेल लीड एक्टर और एक्ट्रेस के फाइनल हो जाने के बाद अभी एक किरदार के लिए जगह और खाली थी जिसके लिए अनुभव सिन्हा की वाइफ रत्ना सिन्हा ने राकेश बापत का नाम सजेस्ट किया एक्चुअली राकेश बापत को उन्होंने एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट में देखा था और उन्हें लगा कि वो फिल्म तुम्बिन में ये किरदार निभा सकते हैं और ऑडिशन देने के बाद राकेश बापत भी इसके लिए साइन कर लिए गए और इस तरह से फिल्म तुम्बिन की ये पूरी यंग स्टार स्टारकास्ट फाइनल हो गई अनुभव सिन्हा फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये फिल्म उन्हें कनाडा के कैलगरी में ही शूट करनी है इस वजह से फिल्म का अधिकांश हिस्सा कैलगरी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के बीच में फिल्माया गया है जहां पर टेम्परेचर कई बार माइनस सोलह और माइनस सत्रह डिग्री सेल्सियस भी हुआ करता था इसके अलावा फ़िल्म के और बहुत सारे सीन फिल्माला स्टूडियो नटराज स्टूडियो आर के स्टूडियो फिल्म सिटी और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं म्यूज़िक कम्पोज़र निखिल विनय के द्वारा कम्पोज किए गए बहुत ही खूबसूरत गाने फिल्म तुम्बिन की जान थे और इसके लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने में फ़िल्म के म्यूजिक एल्बम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा एक्चुअली जिस टाइम पर फिल्म तुम्बिन के लिए म्यूज़िक फ़ाइनल किया जा रहा था उस टाइम पर निखिल बनय ने अनुभव सिन्हा को बहुत सारे गाने सुनाए लेकिन उस टाइम पर अनुभव सिन्हा ने निखिल बनय के द्वारा सुनाए गए बहुत सारे अच्छे अच्छे गानों को भी रिजेक्ट कर दिया था वो चाहते थे कि फ़िल्म तुम्बिन के जो सारे गाने हों वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हों और इस तरह से हमें फ़िल्म तुम्बिन में ये बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिले इसके म्यूजिक एल्बम में एक गज़ल को भी एक गाने की तरह रखा गया था ये गज़ल थी कोई फ़रियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म तुम्बिन में रखी गई इस गज़ल के बनने के पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही ये गज़ल ऐसी है कि आज भी बहुत सारे म्यूजिक प्रेमियों की फेवरेट लिस्ट में शामिल होगी एक्चुअली इसको फिल्म तुम्बिन में पूरा का पूरा एक जगह में ही यूज नहीं किया गया था इसके अलग अलग मुखड़ों को और अंतरों को फ़िल्म की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर यूज किया गया था एक्चुअली इस पूरी गज़ल में सुनने के लिए मिले एक एक शेर बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टेड थे इसके राइटर फैज अनवर ने बताया कि उन्होंने अनुभव सिन्हा को पहले बहुत सारे शेर सुनाए और लगभग अस्सी इक्यासी शेर सुनने के बाद भी अनुभव सिन्हा को ये कोई भी पसंद नहीं आया और बाद में फ़ैज अनवर ने फाइनली अनुभव सिन्हा को इस गज़ल की दो लाइनें सुनाईं जो कि अनुभव सिन्हा के बिल्कुल दिल को छू गईं गज़ल की इन दो लाइनों की मीनिंग बहुत ज़्यादा ही डीप है ये दो लाइनें थीं एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर जिंदगी तेज बड़ी तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज बहुत और इस तरह से फै जनवर के द्वारा सुनाए गए बहुत सारे शेर और शायरी सुनने के बाद इस पूरी गज़ल को फाइनल किया गया अब जैसे ही ये गज़ल फाइनल हो गई तो इसको गाने के लिए अनुभव सिन्हा के दिमाग में सबसे पहले जगजीत सिंह का ही नाम आया क्योंकि जगजीत सिंह के द्वारा गाई गई गज़लें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी हालांकि जगजीत सिंह ने इस पूरी गज़ल को एक बार में ही रिकॉर्ड नहीं किया था जगजीत सिंह ने इसके बहुत सारे शेर अलग अलग दिन स्टूडियो आकर रिकॉर्ड किए थे लेकिन जब ये पूरी रिकॉर्ड हो गई और अनुभव सिन्हा ने सुनी तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई उनके मन में ये बात थी कि जैसी फिल्म की कहानी है और जैसी सिचुएसन्स है उसको वैसा जगजीत सिंह ने गाया नहीं है और ये कम्प्लीट हो जाने के बाद जगजीत सिंह को भी ये बात समझ में आ गई इस वजह से उन्होंने दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया और इस बार उन्होंने इस गज़ल की एक एक शेर और शायरी को बहुत ही खूबसूरत खुछ अंदाज़ में गाया जो कि फ़ाइनली हमें फ़िल्म तुम्बिन में सुनाई देती है और इसके सीन से इसकी सिचुएशन से और इमोशंस से बहुत अच्छे से मैच करती है फाइनली 13 जुलाई सन 2001 को जब फिल्म तुम्बिन रिलीज़ हुई तब उस टाइम पर फिल्म लगान और गदर सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही थी एक्चुअली उस टाइम पर सनी देओल की फ़िल्म गदर और आमिर खान की फ़िल्म लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी ये दोनों ही फिल्में 15 जून सन 2001 हज़ार एक को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और कई महीनों तक सिनेमाघरों में चलती रही थीं और इसके एक महीने बाद ही फिल्म तुम बिन रिलीज हुई इस वजह से फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए स्टार्टिंग में बहुत कम ही लोग पहुंचे लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को पसंद आई और लोगों ने सिनेमा घर में जाकर इसको देखा और बस उस टाइम के बाद से ही फ़िल्म में काम करने वाले ये सारे न्यू कमर्स बिल्कुल जाना पहचाना नाम बन गए जहां उस टाइम पर प्रियांशु चटर्जी के काम को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और उनकी लड़कियों में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होने लगी लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कब किसको कहाँ ले जाए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं फिल्म तुम्बिन की सफलता के बाद अनुभव सिन्हा ने सन 2003 में एक और फिल्म बनाई आपको पहले भी कहीं देखा है जिसमें उन्होंने एक बार फिर से फिल्म तुम्बिन के एक्टर प्रियांशु चटर्जी को ही साइन किया लेकिन ये फ़िल्म कुछ ख़ास नहीं चल पाई इसके बाद प्रियांशु चटर्जी आगे चलकर हमें और भी बहुत सारी फ़िल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आए जिनमें से फ़िल्में थीं दिल का रिश्ता पिंजर वो जूली मदहोसी कोई मेरे दिल से पूछे और भूतनाथ जैसी और भी बहुत सारी फिल्में लेकिन प्रियांशु चटर्जी इन फिल्मों में काम करने के बाद अपनी तुम्बिन की सक्सेस को दोबारा से रिपीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे आगे चलकर प्रियांशु चटर्जी को और कम फिल्में ऑफर होने लगीं और सपोर्टिंग रोल भी उनका और छोटा होने लगा और आगे चलकर प्रियांशु चटर्जी हिंदी के साथ ही साथ में बंगाली फ़िल्मों में भी काम करने लगे जिनमें मोनर मानोस जैसी और भी कई पॉपुलर बंगाली फ़िल्में शामिल हैं प्रियांशु चटर्जी हमें सन 2020 में आखिरी बार हिंदी फ़िल्म शिकारा में नजर आए थे लेकिन अब शायद आज की जनरेशन प्रियांशु चटर्जी को उतने अच्छे से नहीं जानती है उनकी शादी सन उन्नीस सौ संतानवे में मालिनी शर्मा से हुई थी जिन्होंने फिल्म राज में भूत का किरदार निभाया था लेकिन उनका सन 2001 में उनसे डिवोर्स हो जाने के बाद अभी तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है संदली सिन्हा भी हमें फ़िल्म तुम्बिन के बाद पिंजर ओम और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी फ़िल्मों में नजर आईं सन 2005 में उन्होंने शादी कर ली और वो फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गई आखिरी बार संदली सिन्हा हमें सन 2016 में तुम्बिन के सीक्वल तुम्बे 2 में एक गेस्ट अपीयरेंस में नज़र आई थी जिसको भी अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया था लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला फ़िल्म तुम्बिन में नज़र आए हेमांसु मलिक भी आगे चलकर हमें ख्वाहस एलओसी कारगिल रक्त और रोग जैसी फ़िल्मों में नजर आए लेकिन आगे चलकर हेमांशु मलिक को भी इन फ़िल्मों में कुछ ख़ास नोटिस नहीं किया गया और हेमांशु मलिक भी आज एक भूला बिसरा नाम हो चुके हैं हालांकि राकेश बापत ने आगे चलकर कुछ फिल्मों में और टी सीरियल्स में काम किया और शायद लोग उन्हें आज भी जानते हैं सन 2005 में आई फिल्म कोई मेरे दिल में है मैं हमें एक बार फिर से राकेश बापत और प्रियांशु चटर्जी एक साथ नज़र आए थे लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई इसके अलावा राकेश बापत हमें तुमसे मिलकर रॉन्ग नंबर और कौन है जो सपनों में आया जैसी फ़िल्मों में नजर आए इसके अलावा सात फेरे सलोनी का सफ़र और कबूल है जैसे टीवी सीरियल्स में वो हमें नज़र आए आखिरी बार वो हमें सन 2021 में बिग बॉस 15 में भी नज़र आए थे सन 2022 में हाल ही में उनका एक म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ हुआ है तेरे विच रब दिसदा लेकिन आज भी इन सबको याद किया जाता है उनकी फ़िल्म तुम्बिन के लिए ही फ़िल्म तुम्बिन की सफलता के बाद इसका आगे चलकर सन 2003 में एक रीमेक भी बनाया गया था ये रीमेक था तेलुगु भाषा में और इसका नाम था एला चेपेनू जिसमें हमें तरुण और श्रेया सरन नज़र आए थे तो दोस्तों ये तो बात हुई फ़िल्म तुम्बिन से जुड़े हुए बहुत सारे अननॉन फैक्ट्स के बारे में मुझे तो ये फिल्म उस टाइम पर काफ़ी पसंद आई थी और फिल्म के गाने तो आज भी मेरे फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल हैं आप लोगों का फिल्म के बारे में क्या कहना है इसके गाने आपको कैसे लगे थे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मैंशन करना फ़िल्म से जुड़ी हुई उस टाइम की अगर आपकी कुछ सुनहरी यादें हैं तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फ़िल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी हीरोचक बातों के साथ